जैसे सेकंड पीरियड बच्चों क्वेश्चन हमारा 2 by root x plus 3 by root y is equals to 2, that will be question 1. And second bit question, second equation of 4 by root x minus 9 by root y is equals to minus 1, equation 2. ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है. तो ये क्वेश्चन देखिए, आप समझ जा रहे हैं कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिडक्शन मेथड लगाना पड़ेगा बच्चों. हाँ आना बताइए, इसमें आपको रिडक्शन मेथड लगाना पड़ेगा बच्चों. हाँ आना. यस सर. क्यों लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा सुनती सर, वेरिएबल को मेरे बनाने के लिए. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये है बच्चों की वेरिएबल जो है हमारा, वेरिएबल में एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है. ठीक ना, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब आपको क्या लगाना है, इसका रिडक्शन मेथड लगाना. तो सिंपल तरीका बच्चों, जो भी आपका वेरिएबल है उसे आप योर भी और एक वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए. इक्वेशन मान देखते हैं हम, जैसे सपोज इक्वेशन वन क्या था सर, पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या, 1 by root x equals to p and 1 by root y is equals to q. हाँ, 2 by root x plus 3 by root y is equals to 2 था बच्चों. तो कांस्टेंट वेरिएबल अलग करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2 into 1 by root x लिख सकता हूँ, प्लस 3 into 1 by y लिख सकता हूँ. कैमरा बंद कर लो, ध्यान, कैमरा बंद कर लो भाई. आपको नेक्स्ट इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा बच्चों. नेक्स्ट इक्वेशन क्या आपका, देखिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, 4 by root x plus, sorry, plus minus 9 by root y equals to minus 1. So 4 by root x can be written as 4 into 1 by root x minus 9 into 1 by root y equals to minus 1. 1 by root x को बच्चों में क्या एजम किया, p एजम किया, तो ये हो गया 4p minus 9 equals to minus 1 equation. चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए बच्चों. क्या माइनस 1? यस सर. एलिमिनेशन मेथड में लगाइए, तुरंत हो जाएगा. बच्चों जिनका हो जाएगा बता दीजिए, क्लियर क्यों कर निकल के बता दीजिए. सर हो गया सर, पर थ्री का वैल्यू 1/2 एंड क्यू का वैल्यू 1/3. अच्छा, पी आर क्यू का वैल्यू कितना बताया बच्चों, जैसे इसको एलिमिनेशन मेथड करना है. हेलो हेलो हाँ जी, कहाँ के रिवीजन के बच्चों. देखो, अगर एलिमिनेशन मेथड में जाना है तो ये कोफिशिएंट सेम करना है, तो
क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थ्री में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, टू, और इक्वेशन फोर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन। चलिए इक्वेशन टू में टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जानते हैं आप लोग, टू इंटू टू पी प्लस थ्री क्यू इक्वल्स टू टू में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कितना, फोर पी प्लस सिक्स क्यू इक्वल्स टू फोर, और इक्वेशन फोर में वन मल्टीप्लाई किया, वन इंटू फोर पी माइनस नाइन क्यू इक्वल्स टू माइनस वन, दैट मीन्स ये हो गया फोर पी माइनस नाइन क्यू माइनस वन। अब अच्छा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा बच्चों ना, थ्री फोर लिया था तो ये फाइव सिक्स बन गया। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बताइए, क्या बोले, इक्वेशन फोर में वन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यस सर, टू मल्टीप्लाई होगा। यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, एक ही बात है, आप लोग टू, आप लोग ठीक है ठीक है, आप लोग जैसे करेंगे एक ही बात है, मैं ये ध्यान नहीं दिया कि मैं आपको ऐसे वाला बताया, ठीक है एक ही बात है, हम चांस सेम आएगा, देख लीजिए ये हो जाएगा कितना, फिफ्टीन क्यू इक्वल्स टू फाइव, या क्यू का वैल्यू है फाइव बाई फिफ्टीन, आंसर आ गया वन बाई थ्री, ये आ गया तो क्यू का वैल्यू, यस सर, यस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन, क्यू का वैल्यू थ्री में पुट करता हूँ इन इक्वेशन थ्री, क्या मिल गया, टू पी प्लस थ्री क्यू इक्वल्स टू टू, दैट मीन्स टू पी प्लस थ्री इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, वन बाई थ्री इक्वल्स टू टू, थ्री थ्री कैंसिल हो गया बच्चों, आ गया टू पी प्लस वन इक्वल्स टू टू, या टू पी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों वन, दैट मीन्स पी का वैल्यू आ गया वन बाय टू, सो नाउ पी का वैल्यू हो गया वन बाय टू एंड क्यू का वैल्यू हो गया बच्चों वन बाय थ्री, लेकिन हमें पी और क्यू का वैल्यू निकालना नहीं था बच्चों, हमें किसका वैल्यू निकालना था, एक्स और वाई का, है ना, पी का वैल्यू हम क्या एज्यूम किए थे, वन बाय रूट एक्स इक्वल्स टू टू एंड वन बाय रूट वाई इक्वल्स टू वन बाय थ्री, इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा होगा बच्चों, तो रूट एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया वन बाय टू एंड रूट वाई इक्वल्स, सॉरी 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 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सॉरी ये वन बाय टू था, इसको उल्टा किया तो टू हो गया एंड रूट एक्स का वैल्यू कितना हो गया, रूट वाई का वैल्यू थ्री, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया फोर और वाई का वैल्यू हो गया नाइन, ये होगा आपका आंसर। सर एक बार ऊपर करेंगे क्या? अच्छा बच्चों देखिए, बेट थ्री में आपको किसको एज्यूम करना पड़ेगा, देखिए सर बेट थ्री में आपको किसको एज्यूम करना पड़ेगा, देखिए क्या आठ है ऊपर, मतलब ऊपर में लेनी है, देखिए बच्चों बेट थ्री वाला जो क्वेश्चन है देखिए, उसमें दिया था फोर बाय एक्स प्लस थ्री बाय वाई इक्वल्स टू फोर्टीन, और सेकेंड इक्वेशन दिया था थ्री बाई एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री, मतलब गड़बड़ क्या बच्चों, एक्स का खाली गड़बड़ है, y तो सही जगह पे है, y कहाँ है ऊपर है ना बच्चों, यस सर, तो गड़बड़ किस में है खाली, x में है, है ना, तो आप उस खाली x को एज्यूम करेंगे p में, तो आप क्या ले जाइए, खाली लीजिए लेट वन बाई एक्स इक्वल्स टू पी और आंसर कीजिए, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, बिट्टी ट्राई करने का सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, मैं लिख कर रहा हूँ क्वेश्चन पर, सर यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में नहीं है वेरिएबल तो कैसे करेंगे, उसको ऐसे रखेंगे, उसको कुछ करना नहीं है सर, उसको एज इट इज रखो, लेट वन बाय एक्स इक्वल टू पी गया बस, इक्वेशन वन क्या बच जाएगा, फोर इंटू वन बाय एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर्टीन, वन बाय एक्स या पी ले तो हो जाएगा फोर पी प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर्टीन, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, सपोज ये रेडी हो गया इक्वेशन वन, और इस तरह ये अला क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड इक्वेशन का थ्री बाई एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेंटी थ्री,
तो 3 इनटू 1 बाय x लिख सकते हैं, माइनस 4 वाई इक्वल्स 23, 1 बाय x को p लिया हूँ, तो ये क्या हो गया 3p माइनस 4 वाई इक्वल्स 23 हो गया इक्वेशन 2। अब इनमें से मेथड लगाइए और p और y का वैल्यू निकाल लीजिए, कर पाएंगे ना आप लोग p और y का वैल्यू निकालना, निकाल पाएंगे कि नहीं बच्चों? यस सर। रेगुलर तुम क्लास कर रहे हो? रेगुलर क्लास एम डी सरफगान, सरफगान करें आप लोग बच्चों? यस सर। मनीष है कि नहीं? मनीष, मनीष एब्सेंट। राहुल, राहुल राहुल भी नहीं। प्रियंका है कि नहीं? प्रियंका, अरे मेरा आवाज आ रहा है तो? यस सर। प्रियंका भी नहीं? यस सर। प्रियंका, अंकिता, अंकिता, अंकिता भी नहीं। ऐश्वर्या है सर? हाँ सर, राहुल का नेट कट गया सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ऐश्वर्या है, प्रियंकिता है, स्वर्णा है, मौसम है। हाँ ठीक है, मौसम भी है। आकांक्षा, आकांक्षा है, जतिन है, गोकुल है, भूपति, अंकुश, अंकुश, अंकुश है, चलो ठीक। अभिक, अभिक है कि नहीं हो? अभिक, हाँ ठीक ठीक। स्मृति, स्मृति ओके। कोमल, कोमल, हाँ कोमल है ठीक है। श्रुति है, नंदिनी है, राजकिशोर है, रेहान है, शुभम है, नारायण है, आशीष है, आशीष है, आदिल, आदिल नहीं है ना? आदिल नहीं है। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा नहीं है। प्रतीक है ना? प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक था भी देखा जाता है, यहाँ प्रतीक है। सुनील है, सुहेल है, हाँ ठीक है, सुमानवी है, सुष्मिता, सुष्मिता है, रेडी है, जन्म है, दानिया है, आनंद, आनंद है, आनंद, आनंद फिर ऑप्शन सर। x इक्वल टू 1/2 में y इक्वल टू 2। क्या बोले नंदनी सर? x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 2 सर। मेरा x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2। ठीक सर, मेरा x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2। ठीक है, मैं देख रहा हूं। सर मुझे वो टू नंबर जो आप वो इक्वेशन टू के साथ बंद होती है बस, वो वाला समझ में नहीं आया, और एक बार समझाएंगे क्या? बोले क्या बोले क्या बोले सुष्मिता सर? आप जो वो टू नंबर समझाए ना इक्वेशन थ्री के साथ मल्टीप्लाई टू, वो वाला छोड़ दो, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, वो वाला ऐसे समझा दिया। ठीक है, ये सबका आंसर आ गया बच्चों।
सर फिर से थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बता दीजिए, अलग निकल सर x इज इक्वल टू 1 बाय 5 और y इक्वल टू माइनस 2 चलिए कर बात देख लेते हैं। हां इक्वेशन 2 में इनटू करूंगा सॉरी इक्वेशन 1 में इनटू करूंगा मैं 3 और इक्वेशन 2 में कितना इनटू करूंगा कि 4 चलिए 4 तो 3 इनटू कितना हो गया भाई 4p + 3y = 14 तो ये बन गया आपका 4 या 12p + 3 या 9y = 14 4 का कितना होता भाई 14 3 जा 42 चलिए हो गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में 4 इनटू करना है 4 इनटू 3p - 4y = 23 तो 3 4 का कितना हो गया 12p - 16y = 23 इनटू 4 92 चलिए दोनों का साइन क्या भाई प्लस 12 का साइन क्या प्लस 12 प्लस 12 दोनों का साइन सेम है ना तो क्या करेंगे दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे इसलिए ऐड करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो सबट्रैक्ट किया तो बच्चों क्या होगा साइन चेंज होगा साइन चेंज होगी ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ठीक है ना तो हो गया प्लस 12 वाई माइनस 12 वाई कट गया ये हो गया आपका 9y प्लस 16y 25y और ये हो गया कितना 42 माइनस 92 हो गया माइनस 50 तो y का वैल्यू कितना हो गया माइनस 50 बाय 25 यदि ये प्लस y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसमें 1 2 इसमें मैं पुट कर सकता हूं इक्वेशन 1 पुट कर ठीक है तो 1 में पुट कर दिया तो कितना आ गया देख लीजिए हो गया 4p + 3y इक्वल टू 14 था तो 4p + 3 इनटू y का वैल्यू कितना हो गया भाई माइनस 2 इक्वल टू 14 तो हो गया 4p - 6 इक्वल टू 14 4p = 20 या दिस इन प्लस p का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया यहां पे बात क्लियर बच्चों तो हमें तो y का वैल्यू मिल हां बोलो सर हम इक्वेशन 3 और 4 को मतलब इज इक्वल टू 0 करके क्यों नहीं लिखे मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा ना कोई प्रॉब्लम बात देखिए सेम आ रहा ना सर सर ऐसा लिखने से मेरा आंसर 2 निकल रहा है ऐसे कैसे आ गया सर 4 = 20 में होते हैं माइनस होंगे तो प्लस नहीं नहीं आंसर सेम आएगा सर ना आंसर देखो सेम आएगा यस सर सेम आएगा बड़ा का साइन ही लगेगा ठीक है और किसका yes, और किसका yes, sir, और किसका साइन में मिस्टेक था और किसका नहीं आया क्या सर मेरा साइन में भी मिस्टेक था अच्छा ये दारुका सेंस कौन है भाई मतलब नाम बताओ थोड़ा दारुका सेंस हेलो सर हां सर 4p = 20 के बाद वो बीच में वो क्या लिखे हैं ये इंटरेस्ट का साइन सो p का वैल्यू अगर 5 आ गया तो p हमारे कितना था भाई p कितना मिले थे 1 / x 1 / x को 5 मिला ये 1 / x को उल्टा करूंगा तो 5 भी उल्टा होगा तो ये जो प्लस x का वैल्यू 1 / 4 आया देख लीजिए बाकी सबका आंसर इतना आया कि खाली मेरा ही आ गया सर सर मेरा भी वही आया था स्लाइड में गलत हो गया अच्छा अच्छा कोई बात नहीं ठीक कर लो हो गया बच्चों ठीक कर ली चलिए ठीक है देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बिट फॉर हम क्वेश्चन देखें बच्चों
y by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equals to 2, and 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equals to 1. बच्चों थोड़ा बताओ इसमें क्या हम एज्यूम करेंगे पी और क्यू, क्या एज्यूम करेंगे एक्स और वाई में? सर बोलो सर, 1 by x minus 1 and 1 by y minus 2. बढ़िया, देखिए बच्चों आप यहाँ पे सिर्फ x और सिर्फ y नहीं ले सकते, वाह, क्योंकि यहाँ पे x और y अलग नहीं है बच्चों, x के साथ कुछ माइनस हो गया तो वो एक टर्म बन गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ x को नहीं पूरा जो नीचे है x minus 1 पूरा को एज्यूम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात आप लोग बच्चों? यस सर, है ना, यस सर, चलिए पूरा को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, so we can rewrite equation 1, as equation 1. अच्छा इसके थोड़ा जगह छोड़ता हूँ, सॉरी जगह नहीं, पी और क्यू रेज्यूम कर लेता हूँ, लेट 1 by x minus 1 equals to p and 1 by y minus 2 equals to q. है ना, तो हमारा equation 1 क्या था, 5 by x minus 1 प्लस 1 by y minus 2 equals to 2, तो 5 by x minus 1 को क्या ले सकता हूँ, 5 into 1 by x minus 1 प्लस 1 by y minus 2 equals to 2. Now, 1 by x minus 1 क्या है जो कि हम बच्चों p, तो क्या 5p minus plus 1 by y minus 2 क्या हमारा q है, equals to 2 है, let it be equation 1, वही rewrite किया हम, हाँ इसे अलग equation नहीं ले रहा हूँ, तो फालतू का equation बढ़ा, उस तरह equation 2 क्या था, 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equals to 1, that means 6 into 1 by x minus 1 minus 3 into 1 by y minus 2 equals to 1. Yes, 1 by x minus 1 को p लिया, तो क्या मिल गया, 6p minus 3q equals to 1, equation 2. चलिए बच्चों 1 और 2 को सॉल्व करके p और q का वैल्यू निकालिए, आगे मैं कर दूंगा, p और q का वैल्यू निकाल पाएंगे आप लोग? यस सर, सर आ गया आंसर, सर आ गया, यस सर आ गया, वेरी गुड, thank you.
कितना कितना है बच्चों पी और क्यू का वैल्यू? सर पी 1/3 एंड क्यू 1/3 सर पी 1/3 क्यू 1/3 ठीक है देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर में कितना इंटू करूंगा भाई बताइए सर सर 6 और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 इंटू कर दिया तो ये हो गया 5b प्लस q इक्वल्स टू 2 तो ये बन गया आपका 6530p प्लस 6q इक्वल्स टू 12 दैट इज इक्वेशन 3 और ये हो गया कितना 5 इंटू 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1 हो गया 6530p माइनस 15q इक्वल्स टू 5 साइन चेंज होगा बच्चों ये हो जाएगा माइनस ये प्लस ये हो जाएगा माइनस है ना फिर क्या होगा इधर ये डॉट अप कैंसिल हो गया 6p प्लस 15q कितना हो गया 21 7 k प्लस टू 7 बाय 21 कट के 1 बाय 3 हो गया नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p सॉरी q इन इक्वेशन 2 ठीक है इक्वेशन टू में पुट कर दिया इक्वेशन टू क्या था 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1 6p माइनस 3 इंटू क्यू का वैल्यू कितना भाई 1 बाय 3 इक्वल्स टू 1 3 कैंसिल कितना आया था 6p इक्वल्स टू 1 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 2 बाय 6 या 1 बाय 3 सो देयरफॉर 3 का वैल्यू 1 बाय 3 आ गया क्यू का वैल्यू 1 बाय 3 आ गया नाउ पी कितना एज्यूम किए थे भाई पी को हम क्या एज्यूम किए थे भाई 1 बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय 3 एंड 1 बाय 2 का वैल्यू कितना था 5 माइनस 2 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 बाय 3 उल्टा कर दिया तो क्या हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 4 सिमिलरली यहां पे उल्टा कर दिया तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 y का वैल्यू कितना आ गया ठीक है क्लियर सर आगे यस सर थोड़ा ऑफ करके देना सब इक्वेशन 1 इनटू 6 और ऊपर में भी जो इनटू किए दो दो इक्वेशन को वो सर क्यों कर रहे हैं सर मतलब वो प्लस या माइनस होने के लिए हां इसका तुमको तुम यूएसए में थे नहीं जानते उस सुविधा सर जानती हूं लेकिन वो बाकी सब में तो इनटू नहीं कर रहे थे इक्वेशन इक्वेशन बाकी लेके सब में इनटू करते थे सुष्मिता इनटू नहीं करोगे तो कोफिशिएंट सेम कैसे आएगा एक्स मतलब जो भी आपका वेरिएबल उसका कोफिशिएंट को सेम बनाना है ना बच्चों की गलत बोलो यस सर कोफिशिएंट सेम बनाने के बताया था ना जो नीचे ऊपर इनटू कर दो जो ऊपर है वो नीचे इनटू कर दो समझे सर मैं डायरेक्ट कर दी क्वेश्चन इनटू नहीं की हूं किसी ने तो कैसे सब तो रॉन्ग आंसर आया होगा डायरेक्ट कैसे होगा जब तक सेम नहीं होगा तो डायरेक्ट माइनस कैसे कर दोगे सर क्यू का वैल्यू में पुट करने से या फिर मैं पुट करने से भी सेम वैल्यू आता है क्या वैल्यू सर जी क्यू का वैल्यू सर क्यू का वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 भी पुट कर सकते हैं किसे में पुट कर सकते हैं आंसर सेम है देख लेना किस में पुट करने से इजी होगा जैसे मैं यहां पे देखा क्यू का वैल्यू पुट करना यहां पे क्यू का कोएफिशिएंट 3 है 1/3 है कट जाएगा इसलिए मैं 2 में पुट कर दूं ठीक है कोई बच्चा 1 में पुट करेगा तो भी आंसर सेम आएगा कुछ फर्क नहीं है ट्राई कीजिए आप लोग खुश हो जाएगा मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ जैसे यहाँ पे बोला 7x माइनस 2y बाय xy इक्वल्स टू 5 ठीक है ना बिट 5 का इक्वेशन देखिए बच्चों क्या दिया 7x माइनस 2y by xy is equals to 5 and 8x plus 7y by xy equals to 15
equation 1 equation 2 so we can rewrite equation 1 कैसे rewrite कर सकते हैं देखो 7x minus 2y by xy equal to 5 का बच्चों है ना divide क्या हो रहा है बच्चों divide क्या हो रहा है ये xy divide हो रहा है ना यहाँ जो आपका fraction में क्या बच्चों ये xy तो xy क्या हम दोनों में divide कर सकते हैं इसको same इस तरह लिख सकता हूँ 7x by xy माइनस टू वाई बाई एक्स वाई लिख सकता हूँ बच्चों यस सर आया ना अब देखिए ये अगर ऐसे ऐसे क्योंकि एक ही बात है एलसीएम ले जाएंगे तो एक ही बात है तब ये एक्स एक्स कट गया और ये वाई वाई कट गया तब आपको इक्वेशन क्या मिल गया 7y - 2x = 5 आया ना यस सर अब क्या एज्यूम करके बताओ भाई p is equal to 1 by y and q is equal to 1 by x. 1 by x equals to p and 1 by y equals to q. है ना? तो 7y था, तो 7 into 1 by y लिख सकता हूँ. Minus 2x, 2 into 1 by x equals to 5 होगा. तो 7 into 1 by y क्या लिया था बच्चों? Q लिया था. तो 7q minus 2 1 by x था मेरा कितना p equals to 5. ये बन गया मेरा equation 1. पूरा फिर से rewrite किया. सिमिलरली इक्वेशन टू क्या था देख लो 8x + 7y / xy = 15 इसको क्या करूंगा बच्चों पहला स्टेप क्या करूंगा मैं 8x / xy + 7y / xy बढ़िया 8x / xy + 7y / xy = 15 कर दिया अब क्या हो गया कैंसिल हो गया कैंसिल क्या हुआ भाई ये x x कैंसिल हो गया y तो हो गया 8y + 7y = 15 अब क्या हमें देख लीजिए इधर 7y / 8y था तो क्या हो जाएगा 8 × 1y + 7 × 1x = 15 8 × 1y क्या था b प्लस 7 × 1x क्या था q सर सर उल्टा लिखा ना 8q + 7p = 15 इक्वेशन अब इसको सेम कीजिए बच्चों कोफिशिएंट सुष्मिता यस सर यहां पे q का कोफिशिएंट कितना है बताओ इक्वेशन 1 में q का कोफिशिएंट कितना है सर 7 और इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 2 में q का कोफिशिएंट कितना है 8 8 तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा सेम बनाने के लिए क्या करेंगे यहां पे जो है कोफिशिएंट वो इसमें इंटू कर देंगे और यहां पे जो कोफिशिएंट है वो इसमें इंटू कर देंगे मतलब क्या आ जाएगा देखो इक्वेशन 1 में मैं कितना इंटू करूंगा बच्चों जल्दी बोलिए इक्वेशन 1 में कितना इंटू करूंगा सर 8 और इक्वेशन 2 में क्या इंटू करूंगा बच्चों 7 7 चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन सॉल्व कीजिए पी और के का आंसर निकाल के बताइए और क्यों दोनों 1 आया सबका आगे बच्चों हाँ ठीक
P1 और Q1? P1 और Q1. P1 and Q1. ठीक है जी, T का वैल्यू 1 सब डाल देना बच्चों। किसका नहीं हुआ बताओ, नहीं हुआ तो मैं कर लूंगा। किसका नहीं हुआ सर? हो गया। वेरी गुड सर, हो गया। सर हो गया। वेरी गुड। हो गया। सर दोनों 1 और 1 आया। चलिए सबका मतलब आ गया, दोनों को बोलना नहीं पड़ा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन। हेलो अमर, अच्छा ठीक। बाकी का बिट्स भी सेम है बच्चों, बिट 6 खाली आप देख लीजिए कैसा करना है, आराम से कर लेंगे। बिट सिक्स, अगर आप क्वेश्चन देखें बच्चों क्या दिया था, 6x + 3y = 6xy। ठीक है, मैं आपको खाली क्वेश्चन बनाना बता रहा हूँ, आप खुद निकाल के सॉल्व कीजिए, मैं इसमें नहीं करूँगा कुछ। यहाँ पे 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स वाई मल्टीप्लाई। इधर आगे क्या जो डिवाइड हो जाएगा, अगर ये एक्स वाई को मैं एलएचएस से ले आऊँ मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा ना बच्चों। यस सर। यस यस सर। तो 6x + 3y divided by xy equals to 6, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना? एक ही बात ये yes, अब ये नंबर ऊपर वाले नंबर की तरह सेम हो गया कि नहीं, कैसे करेंगे आप? यस सर। 6x + 3y / xy = 6, xx कैंसिल हो गया, yy कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 6y + 3x = 6, है ना? दूसरा आगे आप जैसे करते कर लीजिएगा। बिट 7 में बच्चों कौन बताएगा, बिट 7 में मैं क्या लूंगा, सर 1x - y और 1x - y को क्यों लूंगा बच्चों, बिट 7 कीजिए, बिट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिट 7 ट्राई कीजिए और जिनका हो जाएगा मेरे को सॉल्यूशन पूरा भेजो। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप मैसेज करो, करो जल्दी करो। Thank you.
सर मेरे से नहीं हो रहा है नंबर। सर मेरे से भी नहीं हो रहा है। नहीं अर्जुन से नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, नंबर 87 बी8 सेम है, मैं 7 का करना आप So let you do equation 1 and equation 2. We can rewrite equation 1 as let 1 by x plus y equals to p and 1 by x minus y equals to q. यहाँ तक तो सब क्यों होंगे बच्चों, है ना बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes. So equation 1 को हम rewrite कर सकते हैं बच्चों, क्या equation 1 को 10 by x plus y plus 2 by x minus y equals to 4. मतलब ये हो गया 10 into 1 by x plus y plus 2 into 1 by x minus y equals to 4. So 10 into 1 by x plus y equals to p ho gaya, plus 2 into q ho gaya, equals to 4. Let it be equation 3. Similarly, 15 into 1 by x plus y minus 5 into 1 by x minus y equals to minus 2. So 1 by x plus y ko kya likh diya bache, 15 into ye kitna ho gaya apna p ho gaya na, p minus 5q equals to minus sir, equation 4. बोलो सर, मेरा p 1 by 5 और q 1 निकला, ठीक है? सर मेरा भी p 1 by 5 और q 1 निकला। बढ़िया, यस मेरा भी वही निकला। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो equation 3 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों बताइए? 15। चलिए equation 3 में 15 मल्टीप्लाई कर देता हूं और equation 4 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10। जानते हैं ना ये वाला चला आता है ऊपर में, ऊपर वाला मल्टीप्लाई आता है नीचे, तो हो जाएगा 15 इनटू 10 पी प्लस। सर मेरा भी फोर, वेरी गुड। अभी तो हो गया कितना, 150 पी प्लस 15 टू जा 30 क्यू, 15 फोर जा 60, ये हो गया इक्वेशन 3। और इस पर 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 इंटू 15 पी माइनस 5 क्यू इक्वल्स टू माइनस 2, तो हो गया 150 पी माइनस इन इक्वेशन 3 क्या मिल गया भाई, 10 पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू 4 था, तो 10 पी प्लस 2 इनटू क्यू का भी 1 था इक्वल टू 4, या 10 पी इक्वल टू 4 माइनस 2 है ना, 10 पी इक्वल टू 2 या दिस प्लस पी का वैल्यू हो गया 2 बाय 10 या दिस प्लस पी का वैल्यू कितना हो गया 1 बाय 5। चलो ना पी और क्यू का वैल्यू मिल गया था। नाउ देखिए ध्यान से, पी का वैल्यू आ गया 1 बाय 5 एंड क्यू का वैल्यू आ गया कितना 1। पी को क्या एज्यूम किए थे बच्चों, पी को हम क्या एज्यूम किए थे, 1 बाय x प्लस y, 1 बाय x प्लस y, 1 बाय x प्लस y इक्वल्स टू 1 बाय 5 एंड क्यू को हम एज्यूम किए थे 1 बाय x माइनस y इक्वल्स टू 1। 1 बाय x प्लस y का तो हो गया x प्लस y इक्वल्स टू 5, लेट इट बी इक्वेशन 1 2 3 4 था 5 एंड ये हो गया x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन हो गया 6। अब फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों, जब हम आंसर सॉल्व किए, आंसर सॉल्व करने के बाद हमें फिर दो इक्वेशन मिला, उन दो इक्वेशन को फिर से हम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं बात? यस सर। अब देखिए दोनों का, दोनों में x का कोएफिशिएंट क्या बच्चों, सेम है ना, अब जब ऐड कर दीजिए सबट्रैक्ट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ऐड कर देते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, एडिंग की सबट्रैक्टिंग, इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया x plus y equals to 5, x minus y equals to 1, सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो सेम चीज माइनस
प्लस माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स का टोटल इज इक्वल टू 2 वाई प्लस वाई कितना हो गया 2y इक्वल टू 4 तो y का वैल्यू आ गया 2 y का वैल्यू आ गया तो कहां पुट पर पुट करूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 क्या था x plus y equals to 5 था x plus 2 equals to 5 हो गया तो x का वैल्यू कितना क्या बचो 3 so therefore x का वैल्यू 3 and y equals to 2 देख लीजिए बच्चों हो गया सर स्क्रीन प्रो सर हम 3.7 भी करेंगे क्या नहीं ऑप्शनल एक्सरसाइज कुछ नहीं करेंगे जो काम का होगा मैं करवाऊंगा जो जो नंबर्स वो एक्स्ट्रा नंबर्स में करवा ही देता हूँ थोड़ा नीचे करेंगे क्या सर हो गया चलिए ठीक है बच्चों आज इतना ही खत्म कीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर है कल एक क्लास आएगा पूरा सेकंड नंबर करने में ठीक है ना सेकंड नंबर का 3 बिट है और 3 बिट करने में एक क्लास हो जाना चाहिए या फिर वो एक क्लास में नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए ठीक है यस लेकिन बच्चों सुनिए आप लोग चलिए एक्सरसाइज 3.6 फिर से कीजिए हाँ 3.6 फिर से कीजिए और अपनी कंप्लीट करके भेजिए ठीक है नंबर वन 3.6 फिर से कीजिए हाँ बोलो यस सर सर अगर हम लोग यहाँ पे जो x प्लस वाई जो इक्वेशन 5 और 6 है उसको अगर ऐड करेंगे तो भी आंसर निकलेगा ना हाँ एक ही बात है ऐड कर सेपरेट कर बाद में किया तो x प्लस वाई कितना निकलेगा अगर ऐड करेंगे तो सेम आएगा 100% सेम आएगा कुछ अलग नहीं है चलिए ठीक है बच्चों बाकी आप कल 3.6 करेंगे होमवर्क में क्या क्या क्या